केन्द्र स्वास्थ्य विभाग नहीं आईएमए जाए कोरोनार तृतीय लहर बाबदे बड़ चेतावनी दे इंडियन मेडिकल आसोसीएसन कही तृतीय लहर बेस निकट में पहुंच सारे देशर विभिन्न स्थान में जो भाई भिड़ देखा कोरोनार सुपर स्प्रेडर प्रमाणित हो पाए देश में कोरोनार संक्रमण गति कम थिले भी महाराष्ट्र एवं केरल रे कोरोनार सक्रिय रोगी संख्या एवं भी चिंता बढ़ाऊ आईएमए अनुसार कोरोना संक्रमण तृतीय लहर निश्चित और खूब निकट रे अछि देशर बहु अंशर कोविड प्रोटोकल पालन होना देशर बहु स्थान रे सरकार और लोके कोरोना को नहीं अवहेला प्रदर्शन करुछंती पर्यटन और तीर्थयात्रा जरूरी किंतु एबे आउ किछि मासर अपेक्षा करबा भल टीका नै नथिबा लोके भिड़र अंश पालन करुछंती आ पर्यटकों ए भिड़ कोरोनार तृतीय लहर पर सुपर स्प्रेडर पलटिब आईएमए चेतावनी दे एक भी कही पर्यटन और धार्मिक यात्रा भाई कार्यक्रम फ्लोरे आर्थिक क्षति कोरोना फ्लोरे आर्थिक क्षति और दुष्परिणाम अनेकांशे कम एथिपाई कोरोना नियमर पालन जरूरी थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगी यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी कितनी इंटेंसिटी से आएगी उस पर डिपेंड करेगी। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9,00,000 हुए थे तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए इसके लिए हमें आपको हमें सबको जुड़ना है। आईएमए अनुसार टीकाकरण माध्यम रे कोरोना तृतीय लहर प्रभाव को अनेकांशे कम करा जाई परिबो एमितिरे जरूरी हैला लोकंक घर पाखरे टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराइबा कोरोनार तृतीय लहर चेतावनी भितरे तृतीय लहर सह मुकाबला करिवार प्रस्तुति मध्य जारी रहिछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निजे पूर्वोत्तर 8 राज्य सह कोरोना उपरे मंथन करिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नॉर्थ ईस्ट राज्य गुडीकर 8 जन मुख्यमंत्री सह मंगलवार आलोचना करिछन्ति। आसाम नागालैंड त्रिपुरा और सिक्किम मुख्यमंत्री आलोचन सामिल हेले छड़ा मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोराम मुख्यमंत्री जोगदेले। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यगुड़े टीकाकरण स्थितर समीक्षा भी कर देश में कोरोना संक्रमण मामला कमुची किंतु केतेक राज्य अच्छी जो संक्रमण एवं भी चिंताजनक रही केरल और महाराष्ट्र में कोरोनार सक्रिय रोगी संख्या 1,00,000 रु अधिक ए दुई राज्य सबुठ अधिक कोरोना संक्रमण नुआ मामला भी सामना को आसुची एमितरे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय यह राज्य गुड़ी विशेषज्ञों टीम पठाई पारे। एवं केरल में कोरोनार सक्रिय मामला 1,20,000 पाखापाखि महाराष्ट्र में कोरोनार सक्रिय रोगी संख्या प्राय 1,10,000 गत 24 घंटे केरल में 100 रु अधिक लोकों मृत्यु होती महाराष्ट्र में गत 24 घंटे मृत्यु संख्या 50 रु अधिक। तृतीय लहर पदध्वनि भितर जहां सबुठ बड़ चिंता ताला देशर बहु अंश में कोरोना प्रोटोकल पालन नक जमुवा भिड़ आशंका करीड़ ही कोरोनार तृतीय लहर पर सुपर स्प्रेडर पलट कोरोना को नहीं एमती खामख्याली देश को भारी पड़ पारे किंतु जदि क्या टिके भी लगुच कोरोना शेष हो जाए तेरे इंडोनेशिया सह संपुक्त एक खबर ध्यान सह देखा उचित जो कबर स्थान एवं शबरे भरी जा कोरोना मरुवा लोकों संख्या एत अधिक जेसीबी मेसीन लग कबर खोल जाऊँगी कहार को लगुच टीका नापर मस्क लग जरूरी नुहे तेज इंडोनेशिया यही कहानी जे कहारी आखि खुलदेव मे मासरे इंडोनेशिया द्वितीय लहर सह लड़ुवा भारत को साय कर इंडोनेशिया साहय भावे 3,400 ऑक्सीजन सिलिंडर और कनसेंट्रेटर पठाई किंतु मात्र दुई मास भितर ही चित्र बदली जा जो देश अन्य देशों को साय करूला से ही देश एवं साहय नवेदन करुच्ची भारत भली इंडोनेशिया भी अचानक अम्लजान डिमांड बढ़ा फल हस्पिटाल अक्सीजेन अभाव देखा रोगी संपर्क अक्सीजेन घूरी बुलूं एमती मे मसने भारत हस्पिटाल रोगी में भर्ती हो जाता आई कारण हस्पिटाल बाहर चिकित्सा कराता कोरोना संक्रमित को चित्र सामना को आसीला यह स्थित एवं इंडोनेशिया देखा हस्पिटाल क्षमता ठारू अधिक रोगी संक्रमित होती द्वितीय लहर समय मे मसने भारत में 3,00,000 रु अधिक लोकों मृत्यु होता श्मशान शबर अंतिम संस्कार भी लाइन लगे पड़ा एवं ठीक एमती स्थित इंडोनेशिया रे इंडोनेशिया रे एते द्रुत गति रे संक्रमण बढ़ुची जे सरकार भी हाथ टेकी देछंती आउ एबे सरकार उद्यम करुछंती जे लोके आउ घरु न बाहरंती एथि पई कलाकारन को माध्यम रे सरकार लोकंकु भूत करी डराउछंती।
धला पोशाक पिंधि कलाकार मान रात रास्ता कड़ और छक जगार ढा हो जाती लोके देखि डरुंती घर बाहर को भय करु एसबू करने सत्वे कोरोनार गति सेठे धीमा पड़ुना एवं ठीक एमती ही भूल आम देशर लोके तृतीय लहरीर पदध्वनि भितर अधिक खामखियाली घातक होपे। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोना काल रे एबे देश रे प्रकृत चिंता हिल स्टेशन गुड़ी को नेकी कारण एठारे चरम स्थिति रे पहुंची छि लोकंक अवहेला एवं खामखियाली घरे रही रही अणनिश्वास हो पड़ा लोके बुलिबा को बाहरी पड़लेनी किंतु एमाने एबे तृतीय लहर को निमंत्रण देउछंती। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी के चलते पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ कोरोना का संभावित कहर बनकर बरप रही है। कोविड नियमों में मिली छूट के चलते चाहे फिर जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, सभी जगह पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। हर वीकेंड पहाड़ों पर जाने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में केंद्र की चेतावनी के बाद तस्वीर थोड़ा बदली तो जम्मू के पटनी टॉप से अब डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना रो द्वितीय लहर रो आतंक रो टिके मुक्ति मिलला जे कटकणा फळरे घरे बसीथिबा लोके जेमिति जेल रो मुक्ति पाई गले। गरम पानी पाग भितरे लोके पहाड़ मुआ हेले किंतु आश्वस्ति पाइबा पई सेमानकर एही उद्यम केतेक राज्य पई पालटी जाइछि घातक। उत्तराखंड नैनीताल रे सप्ताहांत रे देखा जाउछि हजार हजार पर्यटकक भिड़। रास्ता कड़ हेउ बजार हेउ बा नैनी ह्रद सबुठि पर्यटकक प्रबल भिड़। भिड़ भितरे नियम भांगुथिबा लोकंक संख्या किछि कम नहि। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को नहीं खामख्याली एमिति जेमिति कोरोना भळी आदो किछि नाहि। केन्द्र सरकारक असंतोष परे स्थानीय प्रशासन भिड़ नियंत्रण पई नियम कड़ाकड़ी लागू करबाकु उद्यम करुछि। वहाँ पे टेस्ट करवाया, ठीक है, वहाँ पे बोलते हैं कि वापस जाओ, वहाँ पे जाके टेस्ट करा के आया। फिर नैनीताल के लिए जो पहला गट आता है वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आगे से जाओ, फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है? सब दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी। पर्यटकों भिड़ नियंत्रण करने को प्रशासन आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक कर देछि। एतिक नुहे, केवल से ही लोक नैनीताल आसवा को अनुमति दि जाऊँगी जो मान पाखे पूर्व होटल बुकिंग और गाड़ी पार्किंग सुविधा थी प्रमाण थी। महोदय द्वारा बताया गया है कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे तो टूरिस्ट पे या तो उनके पास होटल की बुकिंग है अपनी और उस होटल में पार्किंग है तो उनको होटल उनको जो है वाहनों को जाने दिया जाएगा। इसके तहत आरटीपीसीआर टेस्ट या आरएटी टेस्ट या ट्रूनेट जो भी टेस्ट होगा वो और उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी में अपने को डाउनलोड कर रखा हो। अगर जिसके पास होटल की बुकिंग नहीं होगी उसको कदापि जो है यहाँ से ऊपर नहीं यहीं पे पार्क करेंगे और शटल सेवा के द्वारा जाएंगे। पर्यटकों फल शहर में भिड़ न हो पुलिस स्टिकर व्यवस्था लागू कर लोकों गाड़ी उपर से गंतव्य स्थल लेखा स्टिकर लगे दि जाए। नैनीताल जावा गाड़ी में नैनीताल स्टिकर लग जाने जा लोकों रूट डायवर्ट कर। नैनीताल पुलिस की नई व्यवस्था के चलते पिछले वीकेंड लोगों को थोड़ी राहत मिली। शहर के बाहर पार्किंग कराने और रूट डायवर्जन करने से कुछ सैलानियों को भले ही दिक्कत का सामना करना पड़ा हो लेकिन शहर के अंदरूनी इलाकों में जो हालत थी पहले के मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखी। हालांकि कोविड की बात करें तो सैलानी अब भी लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं मास्क ठीक से नहीं पहने लोग नज़र आए तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए लोग नज़र आए हैं। आने वाले दिनों में यही लापरवाही कोरोना के लिए कहर और तीसरी लहर बनकर सामने आ सकता है। कोरोना विपद भितरे खामख्याली चित्र जम्मूर पटनी टप्रे भी देखा जाउछि। सप्ताहांत बहु संख्यार पर्यटक एठी पहुंचिले तो पहाड़िया रास्तार देखागला केवल गाड़ी आउ गाड़ी। पर्यटन स्थल में भी लोकंकर प्रबल भिड़ सांग को ढिलापण देखागला। छोट छोट पिलांक ठारु नै बड़ मानक जाए कहारी को ना मास्क लगाइबार चिंता थिला ना सोशल डिस्टेंसिंग रो चिंता। लोगों को अपनी खुद समझ होनी चाहिए कि जिस तरह कोरोना चल रहा है, हमने जम्मू से यहाँ आने तक तकरीबन लोगों को देखा कि जिन्होंने 100 में से कोई 70-80% लोग होंगे कि जिन्होंने मास्क नहीं डाले, 10-15% लोगों ने मास्क डाले हैं, हमने भी मास्क डाला हुआ। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के ही विनती करता हूँ
की लोगों से अपील करता हूँ कि थर्ड वेव अगर आ जाएगी तो फिर से हमें घरों में बैठना पड़ेगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन हटा है तो लोग घरों के बाहर आ रहे हैं, अपने फैमिली को लेकर एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें मास्क डालना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का रखना चाहिए और सैनिटाइजर साथ जरूर रखना चाहिए। मास्क डालो, वेदर काफी अच्छा है, अच्छे से एंजॉय करो ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलमोस्ट मुझे तो यही लग रहा है कि 20% लोगों ने मास्क डाले हैं, अदरवाइज सभी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये सभी से रिक्वेस्ट है कि मास्क डालें ताकि सारे अच्छे से एंजॉय कर सके, फिर से ये कोविड वाली प्रॉब्लम, फिर से थर्ड वेव जो है वो नहीं आए। एमित नुहे जे लोगों को कोरोना नियम मने नहीं, बरंग पहाड़िया पानीपाग रो मजा नेउथिबा लोके कैमरा देखिबा खणी मास्क पिंधि पकाउछंती। कोरोना के चलते टूरिज्म का पूरा कारोबार ठप पड़ गया था, जिसके चलते कोविड नियमों को मानते हुए सरकार ने इसे शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन थोड़ी ढील मिलते ही जो लापरवाही की तस्वीरें दिख रही हैं वो कोरोना के कहर को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। केंद्र से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी एजेंसियां बार बार ये कह रही हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लोगों के लिए मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। फिलहाल ये परिस्थिति और भी ज़्यादा दिक्कत भरी इसलिए है क्योंकि जो सैलानी आ रहे हैं वो दूर दूर से अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और ऐसे में अगर कोरोना फैलता है तो सिर्फ एक हिल स्टेशन पर ही सीमित होकर नहीं रहेगा बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा होगा। कोरोना रो तृतीय लहर को नहीं बेस चिंतित होई पड़िछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथि पई से उत्तर पूर्वांचल रो 8टी राज्य रो मुख्यमंत्री को सह बैठक करिछंती। कोरोना रो तृतीय लहर को नहीं केमिति प्रस्तुति करा जाउछि तार समीक्षा करिछंती निजे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम हिल स्टेशन से जिस तरह से लोगों की लापरवाही बरतने की तस्वीरें आ रही हैं वो एक बड़े खतरे को दावत दे सकती है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने पर भी चिंता जाहिर की। कोरोना काल में लोगों को टिके कोहल मिलला और लोके सही आतंक को भुलाई देले जहां को देश मात्र दिन केटा तले भल भावे अनुभव करितबा। मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी भाई अंचल भिड़ एवं देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटि चिंतार कारण लोके केवल मास्क लगे अवहेला करा नुहे सोशल डिस्टेंसिंग नियम को भी पूरा पूरी भूली जाती। कारण 8टी राज्य मुख्यमंत्री बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ में जमा होता भिड़ को नहीं गंभीर चिंता व्यक्त कर। कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी कोरोना रो लगातार बदलुता वेरिएंट को नहीं चिंता प्रकट कले, एथिसह दावी कले जे कोरोना नियम कड़ाकड़ी भावे पालन करा गले वायरस को परास्त करा जाई परबो। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के थोड़ा नियंत्रित होने के बाद से देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी। लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलने के बाद से ही ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग दूसरी लहर के दौरान मचे तांडव को तो भूल ही चुके हैं, ये भी भूल गए हैं कि अभी भी हर रोज करीब 40,000 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य गुड़िकर बहुत जिला रे कोरोना रे लगातार बढ़ुतिबा मामला नहीं प्रधानमंत्री लोगों को सतर्क कराइछंती। से कहछंती कोरोना रो तृतीय लहर रु बचिबा पई सतर्कता और टीकाकरण अभियान रे गति ही सबुठारु सफल अस्त्र। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोरोना रो तृतीय लहर को गुरुतर सह नेबा को परामर्श देछि। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से
वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। तृतीय लहर र विपद भितरे एबे बोलबम यात्रा को नहीं चिंता, कावड़िया को यात्रा को नहीं कौन रही आशंका एवं एने विभिन्न राज्य सरकार कौन निष्पत्ति नेउछन्ता। पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थली गुड़िक पलटाक जाउछि कोरोनार हॉटस्पॉट, या भितर उठिछि श्रावण मासरे कावड़ियांको यात्रा प्रसंग। आम राज्य में बोलबम यात्रा को एथर भी बंद कर दिया जाइथिबा बेले उत्तराखंड भली राज्य में मध्ये ई प्रसंग को नहीं चर्चा। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा, और इस अंदेशे के बीच कांवड़ यात्रा इस साल होनी चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकारें, डॉक्टर और सियासी दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस बीच एक दिन पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कांवड़ यात्रा पर राय सामने आई थी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को न्यूज 18 इंडिया मैनेजिंग एडिटर किशोर आजवानी बोलबम यात्रा को नहीं आभिमुख्य पचारे। जेहेतु किछि दिन भितरे श्रावण मास आरंभ हेबाकु जाउछि औ श्रावण रे श्रद्धालु माने बोलबम यात्रा करंती, एथिपाई एही प्रश्न जरूरी थिला। कोरोना रो द्वितीय लहर एबे शेष होइ नाही, या भितरे तृतीय लहर आसी पहुंचिलानी। जो सबसे बड़ा सवाल इन दिनों में उठा हुआ है, जिसपे आप भी कई बार कह चुके, वो ये कि कांवड़ यात्रा क्या होगी या नहीं होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है, और उसमें पंजाब, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य आते हैं। जो यात्रा है वो यात्रा केवल 5 लाख 10 लाख 20 लाख की नहीं होती है। जब वो फुल कैपेसिटी में यात्रा चलती है तो वो 3 करोड़ तक पहुंचती है, और 15 दिन में 3 करोड़ लोगों का आगमन होता है वहाँ। लेकिन इस ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज़्यादा अभी जरूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहाँ पर जान जाए। मुख्यमंत्री धामी आस्था का गुरुत्व को मानिले, किंतु तंकर गुरुत्व धन जीवन रो सुरक्षा उपर भी रही। मुख्यमंत्री एक कथा भी स्पष्ट कले जे एजाए ही प्रसंग रे विधिवत भावे आलोचना जारी रही, अंतिम निष्पत्ति होय नाही। कोरोनार माड़ सही सारीथिबा देश रे एमिति भिड़ भितरे विशेषज्ञ एवं तृतीय लहर को देखुछंती। उत्तराखंड भली राज्य में जदयो एजाए कावड़िया यात्रा उपर चूड़ांत निष्पत्ति होय नाही, किंतु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तुरंत ही यात्रा बंद करबा को दाबी करिछि। आईएमए पक्षरु ही दाबी नहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी को चिठी लिखा जाइछि। चिठीरे कहा जाइछि जे कोरोनार तृतीय लहर विपद घुरी बुलुछि, एथिपाई सरकार पूर्वर भूल रु शिक्षा नियंतु आउ कावड़िया यात्रा को अनुमति न दियंतु। शिशु लहर का आतंक पता नहीं वो अगस्त में होगी या सितंबर में होगी या होगी या नहीं होगी। कावड़ यात्रा हो सकती है जिसमें हजारों लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं कावड़ के लिए, तो हमारा विचार है कि ये चीज़ थोड़ी कम हो जाए या ना हो, उसके लिए लेटर लिखा गया है। तो ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो बकायदा कोरोना का डर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हमारे विचार में इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके इसको रोका जाए, सरकार बकायदा इस पर प्रतिबंध लगाए। प्रसंग लोकों का जीवन सह जड़ित और महामारी रही समय टीके भी अवहेला हजार हजार लोकों जीवन उपर भारी पड़ पाए, एथिपाई यही प्रसंग में अधिकांश राजनीतिक दल मापिचुपी प्रतिक्रिया देउछंती। प्रशासनिक सवाल है, और वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ का प्रशासन इस बात को देखना चाहिए कि ऐसा कोई कदम हमको नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों की जान का रिस्क हो, और हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। आरंभ रु ही कोरोना तृतीय लहर नहीं आशंका करा जाउछि। द्वितीय लहर भली कोरोना थर्ड वेव मध्य घातक हेबो बोली कहा जाउछि। तथापि सारा देश रे लोके ई चेतावनी को अनदेखा करुछंती। एहार परिणाम जे केते भयानक हेबो ताहा आकलन करबा मुश्किल। समय सरिछि, स्पेशल रिपोर्ट को एठ रखुछु। नमस्कार।